हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। भाई साहब, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी आते हैं, किसानों के नेता भी आते हैं, पंजाब के लोग भी आते हैं। सबने मेरे को आके कहा जी, उस दिन उन्होंने जानबूझ के रास्ता दे रहे थे, बोले हमको तो दिल्ली का रास्ता नहीं आता था, वो खड़े थे और कह रहे थे इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, जानबूझ के उधर भेज रहे थे। और जिन्होंने झंडे फहराए वो इनके अपने कार्यकर्ता थे। हमारा किसान कुछ भी हो सकता है, हमारा किसान अपनी जान दे सकता है, हमारा किसान देशद्रोही नहीं हो सकता। आज ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे चला रही है। इतनी हिम्मत तो अंग्रेजों ने नहीं करी थी। अंग्रेजों ने हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे नहीं चलाए थे। तुम हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे चला रहे हो। हमारे किसानों को आतंकवादी बोलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम सारे आतंकवादी हो? पूछना चाहता हूं, आतंकवादी हो तुम सारे? दोस्तों, ऐसे हजारों हजारों लाखों किसान हैं। एक किसान के दो बेटे हैं, एक बेटा भाई साहब आपको देश के बॉर्डर पे मिलेगा और दूसरा बेटा आज आपको दिल्ली के बॉर्डर पे मिलेगा। एक बेटा किसान है, दूसरा बेटा जवान है। आज जब हमारे देश के बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ सैनिक देखता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले और उनकी केंद्र सरकार दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए मेरे भाई को और मेरे बाप को आतंकवादी बोल रही है, तो दोस्तों सोच सकते हो उसके सीने पे कितना उसको दुख होता होगा। दोस्तों, हमने शुरू से कंधा मिला के इस आंदोलन में हिस्सा लिया है। मेरे को याद है जब पंजाब से किसान चले थे, हरियाणा क्रॉस कर रहे थे, जगह जगह उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़े गए, बैरिकेड लगाए गए, लाठियां बरसाई गई। केंद्र सरकार का पूरा प्लान था कि इनको दिल्ली आने से रोको, लेकिन वो भी पूरी बहादुरी के साथ केंद्र सरकार का सामना करते हुए दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच गए। फिर केंद्र सरकार ने प्लानिंग बनाई कि चलो इनको दिल्ली में आ जाने दो, ये दिल्ली में आ गए उसके बाद इनको सबको पकड़ के जेल में डाल देंगे। केंद्र सरकार ने मेरे पास एक फाइल भेजी, फाइल में लिखा था दिल्ली के 9 बड़े बड़े स्टेडियम को जेल। भाई साहब, अपनी कितनी अच्छी है, वो जेल बनाने की पावर मेरे पास है, इनके पास नहीं है। इनको फाइल मेरे पास भेजनी पड़ी, तो इन्होंने फाइल मेरे पास भेजी और उसके उस भाई साहब जितने फोन पे फोन ये फाइल क्लियर, पहले प्यार से बोले फिर धमकी दी इन्होंने, हमने फाइल क्लियर नहीं की, भाई साहब इनको जेल नहीं बनाने दिए स्टेडियम। उस टाइम अगर हम ये जेल बन जाने देते स्टेडियम, ये सबको उठा के जेल में डाल देते और जेल में पड़े रहते सारे जने। मेरे को याद है, मैं अन्ना आंदोलन में, जब हम अन्ना आंदोलन में हुआ करते थे, तो कांग्रेस ने भी ये सारे स्टेडियम जेल बनाए थे,
मैं भी कई दिन इन स्टेडियम में जेल में रह चुका हूँ। मेरे को पता था अगर सारे किसानों को उठा के इन्होंने स्टेडियम में डाल दिया, सारा आंदोलन टाई टाई फिस हो जाएगा, सारा आंदोलन खत्म। हम अरविंद केजरीवाल, किसान एकता, किसान एकता। किसान एकता, जय जवान, जय जवान। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। तो दोस्तों, इनको हमने जेल नहीं बनाने दिया, और जब से किसान दिल्ली के बॉर्डर पे आके बैठे हैं, हमारी सरकार की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, तन मन धन से हम उनकी पूरी सेवा कर रहे हैं। मेरे सारे विधायक, मेरे सारे मंत्री, हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे सारे सरकार के अफसर, उन सबको लगा रखा है खाना बनाने में, लंगर लगाने में। मैं ये नहीं कह रहा हम ही कर रहे हैं, वहां पे बहुत लोग हैं, कई और संस्थाएं भी कर रही हैं, सारे मिलके कर रहे हैं। लेकिन पानी की व्यवस्था करने में, टॉयलेट की व्यवस्था करने में, वहां पे फ्री वाईफाई की व्यवस्था करी, वो सारी व्यवस्थाएं करने में पूरी मदद कर रहे हैं। जय जवान, जय जवान, अरविंद केजरीवाल। और दोस्तों, फिर 28 जनवरी थी ना जी, जब 28 जनवरी की रात को जो कुछ हमने टीवी पे देखा वो यकीन नहीं हुआ। हमारे देश के महान किसान नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के सुपुत्र राकेश सिंह टिकैत जी, पिछले कितने दिनों से वो गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर, दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर अपने लिए नहीं कर रहे थे, उनको क्या जरूरत है, भगवान का दिया उनके पास सब कुछ है। वो किसानों के लिए इतने दिनों से अपना शरीर ताप रहे थे, इतना शरीर गला रहे थे, और सरकार ने अपनी पुलिस भेज के, अपने गुंडे भेज के उनके साथ जो व्यवहार किया, उनकी आंखों से आंसू आ गए, वो भावुक हो गए। भाई साहब, ये नहीं देखा गया, ये नहीं देखा गया। मैंने पहले संजय सिंह को बोला, संजय सिंह के ने उनको फोन किया, फिर संजय सिंह जी ने मेरी उनसे बात कराई, मैंने राकेश सिंह जी को एक ही बात बोली, मैंने कहा जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप ये बताओ आपको क्या चाहिए, हम हैं आपके साथ। जय जवान, जय जवान, केजरीवाल, किसान एकता। उन्होंने कहा पानी का इंतजाम करा दो, टॉयलेट का इंतजाम करा दो। हमारे तुरंत विधायकों ने वहां पे पहुंच के रातों रात पानी का, टॉयलेट का, जो जो चीजें उन्होंने कही उन्होंने इंतजाम करा, और हमने कहा आप डटे रहो, हम आप पूरी तरह से साथ हैं, हिम्मत मत हारो, बस सारा देश के किसान आपकी तरफ देख रहे हैं। दोस्तों, ये बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं, केंद्र सरकार के मंत्री घूम घूम के कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा, कह रहे हैं ना चारों तरफ, टीवी में रोज सुनते हैं जी। भाई साहब, उत्तर प्रदेश के आज इतने किसान आए हैं, पश्चिमी यूपी के और इतने बड़े बड़े नेता आए हैं, मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की एक मंडी बता दो जहां पे एमएसपी पे नहीं मिली, एक मंडी बता दो जी भाई साहब, कहीं नहीं मिली। भाई साहब, इतने किसान है, जरा हाथ उठा के बता दो, सब लोग बता देना एक मंडी। आज मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी पूछना चाहता हूँ, भाई साहब एक मंडी उत्तर प्रदेश की बता दो जिसपे एमएसपी पे धान उठता हो या एमएसपी पे एक भी फसल उठती हो, मैं भी देख के आऊंगा, हम सारे चलेंगे देखने। नहीं उठती, वो मंडी देखने चलेंगे जहाँ पे एमएसपी पे फसल उठती हो। कि झूठ क्यों बोलते हो तुम, सुबह शाम झूठ बोलते हैं, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, अरे कहाँ एमएसपी, दिखा दो कहाँ एमएसपी पे धान उगती है, मिलती उठती है।
और ये लोग कह रहे हैं जब आप किसान नेता इनसे मिलने के लिए गए थे, इन लोगों से केंद्र सरकार से बातचीत चल रही थी, तो किसान नेता जब बाहर निकले तो इनका मंत्री बोला, मैंने देखा सुना टीवी पे, कहता है एमएसपी नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? कहता है इसमें 17 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। भाई साहब, आज आपके सामने मैं पढ़ा लिखा हूं अच्छा खासा। अरविंद केजरीवाल, किसान एकता, काला कानून वापस लो। और मैं आज आपके सामने फॉर्मूला रख रहा हूं, अगर केंद्र सरकार सुनती हो तो सुन ले। इस देश में नया पैसा खर्च किए बिना 23 की 23 फसलें एमएसपी पे लागू की जा सकती हैं। 23 की 23 फसलें एमएसपी पे सरकार उठा सकती है। सरकार 23 की 23 फसलें एमएसपी पे उठा सकती है। सरकार का एक नया पैसा खर्च नहीं होगा। ये लोग कह रहे हैं कुलदीप जी कह रहे हैं केजरीवाल जी इस काम को करेंगे। जोरदार तालियां बजा दीजिए पीछे तक, खड़े होकर जो समर्थन करते हैं इस बात का, पीछे तक, बहुत बढ़िया। ये माइक दे दो, माइक दे दो। मैं एक बात और कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, पहला निमंत्रण अन्ना जी का आया, दूसरा राहुल गांधी जी का आया, तीसरा दिल्ली के सीएम का आया, मुझे एडवांस में प्रधानमंत्री का भी निमंत्रण आप दे के जाओ आप। देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, किसानों का नेता कैसा हो, तो दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूं। और मेरे किसान सर नेता से सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि अगली बार जब इनसे मीटिंग करने जाओ तो यह फॉर्मूला उनको बता देना कि एमएसपी कैसे लागू हो सकती है। ये कहते हैं 17 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। भाई साहब, 17 लाख करोड़ रुपए किसान फ्री में नहीं मांग रहा, बदले में किसान आपको फसल देगा, बदले में किसान आपको गेहूं देगा, बदले में किसान आपको धान देगा, बदले में किसान आपको मक्की देगा, बदले में किसान आपको बाजरा देगा, बदले में किसान। केंद्र सरकार फसल के बदले में एमएसपी के ऊपर किसान को 17 लाख करोड़ रुपए देगी और सरकार के पास 17 लाख करोड़ की फसल आएगी। सरकार उस 17 लाख करोड़ की फसल को मार्केट में बेचेगी तो बेच के पैसा तो आएगा सरकार के पास। वो जो पैसा आएगा, हो सकता है एक साल में, किसी साल में 17 लाख करोड़ के 18 लाख करोड़ भी आ जाएं, 1 लाख करोड़ का मुनाफा हो जाए, किसी साल में हो सकता है थोड़ा घाटा भी हो जाए, 17 लाख करोड़ रुपए के 16 लाख करोड़ आ जाएं, किसी साल में 17 लाख करोड़ के 20 लाख करोड़ भी आ जाएं, किसी साल में घाटा होगा, किसी साल में मुनाफा होगा, सारा 10-15 साल में बराबर हो जाएगा, कोई घाटा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, 10-15 साल में सारा बराबर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मान लो 1-1.5 लाख करोड़ का सरकार को घाटा हो भी गया, हमारे देश के करोड़ों करोड़ों किसानों के परिवारों को खुश रखने के लिए, हमारे देश के करोड़ों करोड़ों किसानों की खुशहाली के लिए अगर 1-1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए तो सरकार कोई गरीब नहीं हो रही उससे। किसान एकता, जय जवान, अरविंद केजरीवाल। तो एक काम है कि पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने अपने पूंजीपति साथियों के 8 लाख करोड़ रुपए का ऋण माफ कर दिया, लोन माफ कर दिया 8 लाख करोड़ का। अरे तुम अगर 8 लाख करोड़ रुपए इन अमीरों के माफ कर सकते हो तो हमारे करोड़ों करोड़ों किसानों के 1-1.5 करोड़ रुपए का घाटा नहीं बर्दाश्त कर सकते क्या? सकते हैं। नीयत नहीं है, नीयत की कमी है।
और दोस्तों ये एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी तो छोड़ो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान को अपने गन्ने का नया पैसा नहीं मिलता, एमएसपी तो बहुत दूर की बात है। 18,000 करोड़ रुपया ये मिल मालिक लेके बैठे हैं किसानों। हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान, अभी ये बता रहे थे भगवंत मान, पंजाब में भी यही हाल है, गन्ने की फसल का यही हाल है। रात दिन 24 घंटे मेहनत करके अपना किसान गन्ना उगाता है, मिल मालिक को देके आता है और मिल मालिक उसको दो दो साल तीन तीन साल तक अपनी फसल का दाम तक नहीं देता, एक नया पैसा नहीं देता। क्यों नहीं देता? मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के कुछ लोग मिलने आए, उसमें एक किसान भी था, बोला भाई साहब 2 साल हो गए मेरी फसल का दिए हुए, अभी तक एक नया पैसा नहीं मिला। मेरे घर में किसी को कैंसर हो गई, मैं जब मिल मालिक के पास पैसे लेने गया तो वो बोला सीएमओ से, चीफ मेडिकल ऑफिसर से सर्टिफिकेट लेके आओ कि तुमको कैंसर है। सेम सेम, तब मैं तुम्हारे पैसे दूंगा। अरे तुम भीख मांगने आए हैं? हम अपनी फसल तुमको दे रखी है, उस फसल के दाम लेने आए हैं। ये कह रहा है कि पहले सर्टिफिकेट लेके आओ, तुम्हारे घर में किसी को कैंसर है तब दाम दूंगा। हैं जी, वो भी पिछला, वो भी 2 साल पुराना। ये तो हद हो गई यार। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, तुम अपने क्या मजबूरी है तुम्हारी, क्या मजबूरी है कि इन मिल मालिकों को तुम ठीक नहीं कर सकते? भाई साहब, जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, उस टाइम ये बिजली कंपनियां दिल्ली में, 3 बड़ी बड़ी बिजली कंपनियां हैं, इन्होंने मेरे को, कई लोगों ने, हमने जब दिल्ली के चुनाव लड़े, हमने कहा था बिजली ठीक कर देंगे, बिजली कंपनियों को ठीक कर देंगे, बिजली 24 घंटे कर देंगे, बिजली मुफ्त कर देंगे। कई लोगों ने मेरे को समझाया, इतने बड़े बड़े वादे ना करो, ये बिजली कंपनियां बड़ी पावरफुल हैं, ये बड़ी शक्तिशाली हैं, इनके तार बड़े ऊंचे हैं, इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। भाई साहब, आज 5 साल बाद ठीक कर दी इन बिजली कंपनियों को। ये क्यों नहीं करती? पहले दिल्ली में 7-7-8 घंटे के पावर कट लगते थे, 20-20 हजार रुपए के बिजली के बिल आते थे, आज 24 घंटे बिजली आती है और 0 बिजली का बिल आता है। मुफ्त में बिजली मिलती है लोगों को, दिल्ली के लोगों को मुफ्त में बिजली मिलती है जी, 24 घंटे बिजली मिलती है। यही बड़ी बड़ी, पता नहीं क्या कहते हैं लोग, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी पावरफुल कंपनियां हैं, केजरीवाल जी ये काबू में आने वाली नहीं है, काबू में कर दी। और ये चीनी की कंपनियां, छोटी कंपनियां हैं, भाई साहब कह रहे पैसे खाते हैं इनसे, ये इन पता खावे मिल वालों, पता खावे फिर भाग क्यों बढ़ावा मिल वालों, पता पैसे जाओ मंत्री। मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी, आपकी क्या मजबूरी है कि आपकी पूरी की पूरी सरकार इन चीनी मिल मालिकों के सामने घुटने टेक के बैठी है? अगर आप अपने गन्ना किसानों को इन मिल मालिकों से पैसे नहीं दिला सकते तो लानत है तुम्हारी सरकार को। दोस्तों, दिल्ली वालों ने, दोस्तों अगर दिल्ली की बिजली कंपनियां ठीक हो सकती है तो यूपी की चीनी मिलें भी ठीक हो सकती है। अरविंद केजरीवाल, फर्क केवल यह है, सही नीयत वाली सरकार लानी पड़ेगी, अच्छी नीयत वाली सरकार लानी पड़ेगी। और जिस दिन उत्तर प्रदेश में अच्छी नीयत वाली सरकार आ गई, भाई साहब मैं कह के जा रहा हूं, इधर आप अपने ट्रैक्टर से मिल के अंदर गन्ना छोड़ के आओगे, घर पहुंचोगे उसके पहले आपके खाते के अंदर। अरविंद केजरीवाल, देश का नेता कैसा हो, और ये गारंटी है, ये गारंटी है, ये हो सकता है
कि आप अपने गन्ने को छोड़ के आओगे मिल के अंदर, घर पहुंचोगे उसके पहले आपके खाते के अंदर पैसा आ जाएगा। बात केवल नियत की है भाई साहब। आप सोच के देखो, 5 साल से 6 साल से दिल्ली में इन बिजली कंपनियों को मैंने रेट नहीं बढ़ाने दिए, बिजली फ्री कर दी। आज अगर मैं इन बिजली कंपनियों को बुला के शाम को कहूं कि भाई 6 साल हो गए, महंगाई बहुत बढ़ गई, चलो कोई बात नहीं 50 पैसे यूनिट बिजली बढ़ा लो, मान लो मैं कह दूं इनको, भाई साहब कल शाम तक ये मेरे घर में 200 करोड़ रुपए छोड़ जाएंगे। छोड़ जाएंगे कि नहीं छोड़ जाएंगे? कहेंगे जी पार्टी फंड में ले लो, पार्टी फंड दे जाएंगे 200 करोड़ रुपए, मैं 50 यूनिट बिजली बढ़ा दूं तो। हां जी सुनाओ जी, गैस सिलेंडर भाई साहब बता रहे, डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर क्यों महंगे हो रहे हैं? खाद का कट्टा 50 किलो से 45 किलो कर दिया, कर दिया नहीं कर दिया? रेट बढ़ा दी और वजन कर दिया सारी चीजों में। भाई साहब एक ही चीज है, मैं तो छोटा सा आदमी हूं, कल तक मेरे को कोई जानता नहीं था, एक ही चीज सिखाऊं 6 साल में? आपका सबका बेटा हूं, आपका सबका छोटा भाई हूं, आप लोगों की दया से, आप लोगों के प्यार मोहब्बत से अभी मैं अंदर जब से सरकार में गया हूं पिछले 6 साल से, मैंने एक ही चीज सीखी है भाई साहब, सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। नीयत अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल देश का नेता कैसा हो, अच्छी नीयत की सरकार ले आओ, 50 किलो का कट्टा 55 का हो जाएगा, गैस के दाम भी कम हो जाएंगे, पेट्रोल के दाम भी कम हो जाएंगे, और ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने ट्यूबवेल के 25,000 रुपए लेने चालू कर दिए, 25,000 बिजली का बिल। तुम किसानों से बिजली के 25,000 रुपए लेके ग्राम गांवों में मीटर लगा दिए, दिल्ली में, दिल्ली के अंदर भाई साहब 75% जनता की बिजली मुफ्त है, दिल्ली के अंदर 75%। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल तो किसान एकता, तो अच्छी नीयत वाली सरकार ले आओ, जैसे दिल्ली वालों ने अच्छी नीयत वाली सरकार करी थी, दिल्ली में जैसे बिजली मुफ्त हो गई, यहाँ पे ट्यूबवेल ट्वेल नहीं, घर की बिजली भी मुफ्त कर देंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं जी, चारों तरफ से आवाज उठ रही है किसानों की, जिस तरह से समस्याएं इन्होंने कर रखी है। सिलेंडर लेके आ गए उधर वो भाई साहब सिलेंडर ले आएगा इसका अब घर में इतना ही सिलेंडर आया इतने पैसे में, तो दोस्तों एक बड़ा पेचीदा प्रश्न है। लोग कह रहे हैं जी लाखों लाखों किसान सड़कों पे उतरे हुए हैं, जब इतना बड़ा किसानों का आंदोलन चल रहा है तो भाई साहब केंद्र सरकार ये कानून वापस क्यों नहीं ले रही? केंद्र सरकार की क्या मजबूरी है? केंद्र सरकार ने इन पूंजीपतियों के सामने क्यों घुटने टेक रखे हैं? वो कह रहे हैं भाई साहब एडवांस ले रखा है इन्होंने, बयाना ले रखा है इन्होंने, बयाना उठा रखा है इन्होंने। मुख्यमंत्री जी
मैडम। तो दोस्तों आज मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, आपका आंदोलन बहुत पवित्र आंदोलन है और ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, ये इस देश के एक एक देशभक्त का आंदोलन है। जो भी भारत से प्यार करता है वो इस आंदोलन के खिलाफ हो ही नहीं सकता। इतना पवित्र आंदोलन है, इतने अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है, कोई हिंसा नहीं किसी तरह की, और इतने प्यार और मोहब्बत से सारे धर्म के लोग, सारी जाति के लोग, ऊंचा आदमी नीचा आदमी हर आदमी इसमें शामिल है। आपके आंदोलन में मैं कोई एहसान कर रहा, मेरा फर्ज बनता है, हर देशभक्त का फर्ज बनता है। और आज मैं ये कहने के लिए आया हूं कि आपका बेटा, आपका छोटा भाई पूरे तन मन धन से आपके इस आंदोलन में शामिल है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सरकार को अंत पंद में किसानों के सामने झुकना पड़ेगा। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे।